मैंने ऑनलाइन एमआई और सैमसंग दो बैटरियां मंगवाई थी पावर बैंक, ये 25,000 एमएच की है, ये 20,000 एमएच की है। एक्चुअल में इनसे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट फोन चार्ज होता है, उसके बाद में स्टॉप हो जाती है, और चार्ज लगाते हैं तब 2-3 घंटे तक चार्ज होती है। फिर मैंने इनको खोलने की कोशिश की, तो पहले तो ये खुल नहीं पाई, लेकिन इसको मैंने खोली। खोलने के बाद जो अभी आपको देखने को मिलेगा, आप सोचोगे ये क्या है। पहले मैंने सैमसंग को खोला, इसके अंदर जैसे उठाया एक नोकिया की BL5CA बैटरी मिली, और साथ में हमारे को पागल बनाने के लिए प्लास्टिक के सेल, जिनसे वजन हो सके, इन सेलों में कुछ भी नहीं है, ये प्लास्टिक के सेल है, कुछ भी नहीं है। ये दो सेल रख दिए गए ताकि कि वजन लगे, हमारा काम कारोबार चलता। सेकंड फिर मैंने MI जो कि ये 20,000 MH की है आपके सामने, इसको मैंने खोला बहुत ही, तो मैंने एक साइड से इसको जैसे ही उठाया, इसमें मेरे को बहुत सेल दिखे, मेरे को लगा कोई वायरिंग घटी हुई है, लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या पाया, इसके अंदर भी ये प्लास्टिक के सेल, कुछ भी नहीं है इन सेलों में, कुछ भी, ये प्लास्टिक के सेल है और उसपे ऊपर कवर किया हुआ है। तो इतना पागल बनाती है कंपनियां, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी, ओनली फॉर एक सेल लगा हुआ है जो 1500 mAh का दिखाया हुआ है, जिससे केवल बैटरी आप फोन चार्ज लगाओगे 10 मिनट चार्ज हो जाएगा और उसके बाद में चार्ज नहीं होगा। 2,000 रुपए में ये खिलौने मिले, इसके बावजूद भी लोग बाग ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं और ये कंपनियां अपने को गुमराह बनाकर लूटती रहती है। ओके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, और यहाँ जब तक अगली कंपनी के पास नहीं पहुंच जाए जब तक शेयर करें। थैंक यू। अपना चैनल NBN सब्सक्राइब करने के लिए जब आप स्क्रीन पर दिखाई गए NBN के सकल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब होगा, पर घंटी जरूर दबाइए। और दिखाई गई अन्य ये 3 वीडियो में कोई भी देखे, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी और आपके काम की है। प्लीज क्लिक और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।